Channel. I am Muskan. Hope you all are safe and doing great. If you are new to my channel, please take a moment to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon so that you are notified every time when I upload a video. So in today's video, I'm going to talk about how resume or CV is important for our interview. So yeah, let's just get started. That's what resume is, or we can say CV as well. But you must know that your resume plays a very important role in your interview and can also affect your selection process as well. So make sure if you are going for an interview, make your CV interesting. Interesting का मतलब ये नहीं कि इसमें फूल पत्तियाँ सजानी है, नहीं. Like अगर आप अपने बारे में कोई भी information अपने resume में दे रहे हो, like आप fresher हो, experienced हो, जो भी हो, तो आप एक organized way में दो so that जो interviewer है उसको वो पढ़ने में interesting लगे, ना कि boring. Because जब भी हम interview के लिए जाते हैं, जो हमारा CV होता है वो हमसे पहले ही recruiters के पास पहुँच जाता है एंड दे हार्डली स्पेंड 10 to 20 seconds ओवर द CV. और उन्हीं 10 to 20 seconds में जो recruiters होते हैं वो आपको जज कर लेते हैं थ्रू योर resume. सो देयर आर सम पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड वाइल मेकिंग योर resume, एंड दैट इज़ ट्राई टू मेक योर resume मोर attractive, absorbing और interesting. And try to express yourself in the best way by using less words in your resume. And हम सब ने तो सुनी है, first impression is the last impression. So just like that, your resume is that first chance for you to make a good impression on your recruiter. And if your CV is attractive, that will help your recruiter to choose you over others. So let's talk about fresher's resume or like fresher resume के में और experience के resume में क्या difference होता है. देखा जाए तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. डिफरेंस बस यही, जो डिफरेंस उसमें आता है वो यही है कि फ्रेशर्स के पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं होता है और एक्सपीरियंस के पास एक्सपीरियंस होता है. एंड फ्रेशर्स के पास जो होता है क्वालिफिकेशन होती है और जो वो परस्यू करते हैं वो अपने CV में वो मेंशन करते हैं, और जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में उनका क्या काम था, वो क्या पोजीशन पे थे और वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था, वो चीज़ उसमें मेंशन करते हैं. सो यही डिफरेंस है एक्सपीरियंस में और फ्रेशर में. सो द लास्ट थिंग जो कि आपको रिज्यूमे बनाते टाइम अपने ध्यान में रखना है, मेक श्योर जब भी आप रिज्यूमे बना रहे हो तो वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में बनाओ, और जो भी उसके साथ आप पासपोर्ट साइज फोटो एड ऑन कर रहे हो वो फॉर्मल्स में होनी चाहिए, और उसका जो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए वो वाइट या फिर ग्रीन में होना चाहिए. एंड अनदर थिंग जो कि इन्फॉर्मेशन्स के रिगार्डिंग है, लाइक आप अपने रिज्यूमे में जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी डिटेल्स अपने रिगार्डिंग डाल रहे हो वो करेक्ट होनी चाहिए. एंड इफ़ अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, जो कि ना ही डालो तो बेटर है, बट स्टिल इफ अगर आप डाल रहे हो तो मेक श्योर आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके जाओ. सपोज आपने अपने रिज्यूमे में लिख रखा है दैट यू लाइक रीडिंग नॉवल्स, एंड एक्चुअल में आपको नॉवल्स के रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज नहीं है. एंड इफ आफ्टर रीडिंग दिस इंटरव्यूअर ने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसको आंसर नहीं कर पाए, सपोज इसका आप आंसर नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आप ही इस चीज़ में फंसोगे. तो अगर आप ऐसा कुछ लिख रहे हो तो आप वो चीज़ प्रिपेयर करके जाओ. एंड इफ अगर आप नहीं लिख रहे हो तो वो तो अच्छी बात है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही लिखो. एंड जो दूसरी चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके रिज्यूमे में कहीं पर भी स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि आपके रिज्यूमे में ना हो, और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ हमेशा अपना रिज्यूम अच्छे से तैयार करके लेके जाओ. जितना अच्छा आपका रिज्यूमे होगा उतना जल्दी आपके इंटरव्यूअर्स अट्रैक्ट होंगे और शायद से उतने चांसेस होंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए. सो या थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड गिविंग दिस वीडियो योर प्रीशियस टाइम. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon also. And if you want to ask something, you can comment here in the comment section or you can message me on Instagram and Facebook. Till then, bye. Take care of yourself and your family. Bye.